मध्य प्रदेश बीजेपी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, प्रशांत किशोर और वृंदा करात का पुतला जलाया। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक आशुतोष तिवारी का आरोप है कि ऐसे लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं और देश में उपद्रव फैलाने वाले लोगों के रक्षक बनते हैं। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेशियों को संरक्षण देना बंद करो, बांग्लादेशियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कपिल सिब्बल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशांत भूषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कपिल सिब्बल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कपिल सिब्बल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वृंदा करात, देशद्रोहियों को जो लोग संरक्षण देना है इनके विरोध में हमने पुतला जलाया है। ये बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, वृंदा करात, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण और भी लोग थे उनके साथ में, ऐसे लोग जो देश में रह के और देशद्रोहियों का साथ देते हैं, ऐसे लोगों का पुतला ही नहीं, कायदे से तो इनको देश के अंदर इनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए इनके खिलाफ भी, क्योंकि ये लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं, इन्हीं की वजह से देशद्रोही यहाँ आकर रह रहे हैं, अपना कार्ड भी बनवा रहे हैं, इन्हीं का हाथ रहता है इसमें, सारे जो है कार्ड बन रहे हैं इनके, इनके राशन कार्ड बन जाते हैं, इनके आधार कार्ड बन जाते हैं, इन्हीं लोगों के संरक्षण की वजह से। और आज लाखों की तादाद में बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं, लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये देशद्रोही जो हमारे बीच में बन पड़े हैं इनकी वजह से हो रहा है ये। आशुतोष तिवारी, भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।